हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बीएससी पार्ट वन के जूलॉजी सब्सिडरी पेपर के लास्ट ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 2020 में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा गया था। क्योंकि कोविड था तो पिछली बार सारा पेपर ऑब्जेक्टिव ही हुआ था ऑनर्स को छोड़ के। इससे आपको टॉपिक भी पता चल जाएगा एंड पेपर का लेवल भी, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। आइए पेपर देखते हैं। देखिए, जूलॉजी का पेपर है। जूलॉजी पेपर कोड UG1 सब्सिडरी या जनरल, जिसका सब्सिडरी में हो जूलॉजी उसके लिए है। ऑनर्स के लिए भी है, तो आपको सिलेबस पता चल जाएगा इससे। देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमने इसमें टिक मारा क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है, तो एग्जाम में हम इसी से अटेम्प्ट किए थे और आंसर भी दिए थे। 6 नंबर भी हमको आया था, इसलिए इसमें किसी में टिक मारा हुआ है, किसी में नहीं मारा हुआ है। कुछ गलती है, हम आपको सही आंसर बताएंगे सबका। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, मतलब फाइलम प्रोटोजोआ को किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो लोकोमेट्री ऑर्गेनिस, लोकोमेट्री ऑर्गेनल्स के बेस पे फाइलम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2nd नंबर, लोकोमेट्री ऑर्गेन्स आर एबसेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के किस क्लास में लोकोमेट्री ऑर्गेन एबसेंट होता है? तो स्पोरोजोआ। उसका आंसर क्या है? तो स्पोरोजोआ के अंदर जो क्लास है प्रोटोजोआ का, उसके अंदर लोकोमेट्री ऑर्गन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 3rd नंबर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, कह रहा है प्रोटोजोआ में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस के थ्रू होता है। तीन को चार ऑप्शन दिया है, जिसमें तीन के थ्रू होता है, एक एक के थ्रू नहीं होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमको उसके थ्रू बताना है जिसके थ्रू नहीं होता है। तो हमको पता है कि बर्डिंग, साइजोगेमी और मल्टीपल फ्यूजन, ये सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, बट कंजुगेशन इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये नहीं होता है प्रोटोजोआ में, कंजुगेशन इज नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है? ऑब्वियसली ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन का उसमें काम है प्रोटोजोआ में। कॉन्ट्रेक्टाइल अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोटोजोआ और पोरीफेरा से आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर, कंजुगेशन इन प्रोटोजोआ अकर इन क्लास, करा है प्रोटोजोआ में जो कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन टाइप एक ही टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो किस क्लास में होता है? तो ऑब्वियसली ये होता है कंजुगेशन सिलिएटा में। सिलिएटा के अंदर जो प्रोटोजोआ का एक क्लास है, उसके अंदर कंजुगेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। नेक्स्ट है, होलोजिक न्यूट्रिशन इज कैरेक्टराइज बाय, होलोजिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? तो आंसर सीधे डी देखते हैं, पिनोसाइटिसिस ऑफ सॉलिड मटेरियल, सॉलिड न्यूट्रिएंट्स को पिनोसाइटिस मतलब अंदर लेना, एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ फेगोसाइटिक वैक्यूल, और उसका वैक्यूल बनाना, फॉर्मेशन ऑफ फेगोसाइटिक, इसी को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज बेस्ड ऑन, कह रहा है फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया? तो ऑब्वियसली स्पाइक्यूल्स के बेसिस पे। नेक्स्ट, ए चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ कॉमन सिस्टम ऑफ स्पंज इज, कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज इज, ए चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, कह रहा है स्पंज में, स्पंज किसको कहते हैं? पोरीफेरा को कहते हैं स्पंज, फाइलम पोरीफेरा को स्पंज कहते हैं, जिसके अंदर स्पॉन्जिला, हाइड्रा ये सब आता है। सॉरी, हाइड्रा, हाइड्रा तो सिलेंटेटा का मेंबर है, स्पंज का मेंबर है। पोरीफेरा के अंदर है स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज जिसको कहते हैं। तो उसके पैरागेस्टिक जो कैविटी होता है वो कॉमन है, जितना भी प्रकार के उसमें कैनाल मिलता है, तो पैरागेस्टिक कैविटी उसमें सब में कॉमन है। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, पोरीफेरा में सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? तो कौन सा कैनाल सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट है? एस्कॉन टाइप जो है कैनाल सिस्टम है पोरीफेरा में, वो सबसे सिंपलेस्ट है। ये आंसर हम आपको गूगल से ढूंढ के लाए हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं। देखिए, सॉरी, अच्छा ये नहीं है, आगे हम दिखाएंगे कि एस्कॉन टाइप जो है सबसे सिंपलेस्ट है। क्वाइनोसाइट आर प्रेजेंट इन, क्वाइनोसाइट किस में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइनोसाइट किस में प्रेजेंट होता है? तो क्वाइनोसाइट इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जोसिल, किस में प्रेजेंट है क्वाइनोसाइल? तो स्पॉन्जोसिल के अंदर क्वाइनोसाइट प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जोसिल। नेक्स्ट, 11,
स्पैकुल्स आर फॉर्म्ड बाय, स्पैकुल्स किसके थ्रू बनता है तो स्क्लेरोप्लास्ट। स्क्लेरोप्लास्ट एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो कि स्पैकुल्स, जो कि कांटेदार, उसमें जो पोरिफेरम होता है उसको बनाता है स्पैकुल्स। डेस्मोस्पंज हैव, डेस्मोस्पंज के पास कौन कौन सा स्पैकुल्स होता है? तो डेस्मोस्पंज का सब मोनोजोन स्पैकुल्स, ट्राइजोन स्पैकुल्स, टेट्राजोन एग्जैक्ट स्पैकुल्स, ऑल ऑफ देम सब होता है। डेस्मोस्पंज हैव ऑल ऑल ऑफ द अबव स्पैकुल्स होता है, जिसमें जितना स्पैकुल्स का टाइप है सब डेस्मोसोम के अंदर होता है। ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट ओनली इन सिलेंट्रेटा, करेस कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सिर्फ सिलेंट्रेटा में मिलता है? तो सिलेंट्रेटा को हम नीमाटोड भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर नीमाटोसिस्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जो उसको प्रेजेंट होता है। फ्लेम सेल्स किसके अंदर होता है? प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर होता है। फ्लेम सेल्स प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर होता है। पॉलीमॉर्फिज हर्माफ्रोडिटिज्म, ये सिलेंट्रेटा का फीचर नहीं है। नेक्स्ट, विच फाइलम हैज सिंगल ओपनिंग फॉर टेकिंग फूड एंड थ्रू आउट फिशेज, कराए कि किस फाइलम के पास एक ही ओपनिंग है फूड इंजेशन के लिए भी और फिशेज को आउट करने के लिए भी? तो ऑब्वियसली पोरीफेरा के पास सिंगल ओपनिंग ही है, तो इसका आंसर कौन हो गया? पोरीफेरा। नेक्स्ट, इफायरा इज द लार्वल फॉर्म ऑफ, इफायरा किसका लार्वल फॉर्म है? तो ऑब्वियसली बात है साइफोजोआ का, किसका है? तो साइफोजोआ का। नेक्स्ट, सिक्स सेप्टा और सिक्स मेजेंट्रीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका है? सी एनिमोन का। सिक्स सेप्टा और सिक्स मेजेंट्रीज किसकी विशेषता है? तो सी एनिमोन का, जो कि पोरीफेरा होता है, सॉरी सिलेंट्रेटा है। सी एनिमोन क्या है? सिलेंट्रेटा है। विच टाइप ऑफ कोरल रिफ फॉर्म ए रिंग अराउंड ए लेगून ऑफ वाटर, करें विच टाइप ऑफ कोरल रिफ फॉर्म्स ए रिंग अराउंड ए लेगून ऑफ वाटर, लेगून और वाटर के आसपास कौन सा कोरल रिफ जो है रिंग बनाता है? तो एटॉल है। कौन है? तो एटॉल है। एटॉल एक प्रकार का जो कोरल रीफ है जो कि रिंग का आकार का बनाता है। देखिए हमने इस पर विकिपीडिया पर देखा है, मैं से बता रहा है, सब आंसर एकदम ऑथेंटिक है, सब सही है, आप उसको याद भी कर सकते हो क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टकराता है, विश्वास के साथ आप याद कर सकते हैं, सब हमने देख के बनाया है। एटॉल, एन एटॉल इज ए रिंग शेप्ड कोरल रीफ, रिंग शेप्ड कोरल रीफ होता है, आइलैंड सीरीज ऑफ आइलेट, द एटॉल सराउंडेड ए बॉडी ऑफ वाटर कॉल्ड ए लगून, एक बॉडी ऑफ वाटर को सराउंड करते हैं इसको लगून कहते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कोरल रीफ फॉर्म्स आर क्लोज टू द शोर लाइन, कर शोर लाइन के सबसे नज़दीक किस प्रकार का कोरल रीफ मिलता है? तो ये है शोर लाइन के जो सबसे नज़दीक होता है वो है फ्रिंज, फ्रिंज रीफ जो है शोर लाइन के सबसे नज़दीक में होता है। ये भी देखिए, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीफ इज द फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ सबसे कॉमन टाइप का रीफ है। दिस टाइप ऑफ रीफ ग्रोज सी वार्ड डायरेक्टली फ्रॉम द शोर, शोर के एकदम नज़दीक से बनता है। दे फॉर्म बॉर्डर्स अलॉन्ग द शोर लाइन एंड सराउंडिंग आइलैंड, ये शोर लाइन पर मतलब समुद्र के किनारे एक बॉर्डर बना लेता है और आइलैंड के चारों ओर भी। वेन ए फ्रिंजिंग रीफ कंटिन्यूज टू ग्रो अपवर्ड फ्रॉम ए वोल्केनिक आइलैंड दैट हैज संक इंटायरली बिलो सी लेवल, एंड एटॉल इज फॉर्म्ड, यही जब रिंग के आकार का बना लेता है तो एटॉल बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 19 नंबर, काइटेनियस कवरिंग और पेरीसेरी आर प्रेजेंट इन, काइटेनियस कवरिंग और पेरीसेरी किसमें प्रेजेंट होता है? तो ये होता है आपको, एक मिनट, यह है ओबेलिया के अंदर, किसके अंदर है? तो ओबेलिया, काइटेनियस कवरिंग और पेरिसेरिया प्रेजेंट इन ओबेलिया। ओबेलिया भी क्या है? ओबेलिया हो, सी एनिमोन हो, गॉर्गेनिया हो जिसको सी फैन भी कहते हैं, सब यह है, सिलेंट्रेटा का मेंबर है। मैक्सिमम क्वेश्चन पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा से पूछा है। बी 20 नंबर, विच ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल ऑफ ओबेलिया बियर्स, ओबेलिया का जो ब्लास्टोस्टाइल होता है वो क्या बियर करता है? तो ऑब्वियसली मेडूसा, मेडूसा पॉलीप ऑफ मेडूसा होता है तो मेडूसा बियर करता है। पॉलीप ऑफ ओबेलिया आर, जो ओबेलिया का पॉलीप है वो क्या है, किस प्रकार का ज्वाइड है? तो न्यूट्रिटिव ज्वाइड है, पोषण ज्वाइड्स है वो, क्या है? तो पोषण ज्वाइड्स है, न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स है। 21 नंबर तक ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और 21 से और आगे देखेंगे। 100 क्वेश्चन आया था, 75 ही बनाना था, अच्छा गया था मेरा एग्जाम, इस सबसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर अगर याद कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे से टकराएगा। धन्यवाद।